इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 2020 यानी 2020 साल सिवाय गम अफसोस मर्ज फसाद महंगाई का रहा। भारत में यह साल खासकर मुस्लिम समाज को निशाना बनाने वाला रहा। वैसे तो कोरोना आलमी वबा की शुरुआत के लिए जिम्मेदार कोई और था और किसी और को कटघरे में खड़ा किया गया। वैसे तो 30 जनवरी को ही कोरोना मर्ज भारत में दाखिल हो चुका था। पहला मरीज केरला में 30 जनवरी को पाया गया। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव हुए जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई। 23 जनवरी से 29 जनवरी तक दिल्ली में मुस्लिम कश फसाद हुए जिसमें 100 के करीब लोगों के मारे जाने की तला हासिल हुई। CAA NRC को लेकर एहतजाज जारी था, लिहाजा मरकजी वजीरों ने तो मुसलमानों के खिलाफ गोया तहरीक ही छेड़ दी थी। जाहिर वजीर दाखिला यानी माननीय गृह मंत्री ने दिल्ली इंतखाबात के मद्देनजर बटन इतना जोर से दबाओ कि इसका करंट शाहीनबाग के एहतजाजियों को लगने की बात कही थी। बड़े ही मुनज्जम तरीके से फसाद को अंजाम दिया गया था। भाजपा के कपिल मिश्रा ने अहम किरदार निभाया था, लिहाजा देशभक्त पार्टी की भाजपा से ताल्लुक होने के बिना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं दूसरी तरफ कारपोरेटर ताहिर हुसैन पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ कोरोना मर्ज तो वैसे भी दाखिल हो ही चुका था, पर अपने मुफाद के तहत मर्ज को बढ़ाया घटाया जाता है। भाजपा या संघी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि फसाद के दौरान ही फरवरी 24-25 को डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाया गया। वैसे मीडिया और हुकूमत की मिलीभगत से फसाद को अंजाम देने की बात भी कही जाती है ताकि अकलियतों का ज्यादा नुकसान हो सके। डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली में दाखिल हुए थे तब फसाद जोरों पर था, लेकिन मीडिया तो ट्रंप और मोदी की जय जयकार में मसरूफ थी। ये भी अहम बात रही कि ट्रंप की आमद के मद्देनजर अहमदाबाद के गरीबों को ट्रंप ना देखे इसके लिए 7 फीट ऊंची और 1,640 फीट लंबी दीवार को तामीर किया गया, जिसका चर्चा भी दुनिया भर में हुआ। मार्च 23 को मध्य प्रदेश की हुकूमत गिराई गई, जबकि मार्च 22 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना आलमी वबा का कहर नाजिल हुआ कहने वाले, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत गिराकर जश्न मना रहे थे, तब इन्हें कोरोना का बिल्कुल डर नहीं था। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ विधि यानी हलफनामा लिया। मार्च 24 को भारत देश के महान प्रधानमंत्री ने 24 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। अजीब मामला यह भी रहा कि कोरोना आलमी वबा के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराकर कोरोना जिहाद के नाम से गोदी मीडिया ने जहर आलू प्रोग्राम चला, इसका असर भी हुआ। खैर बाद में अदालत ने इसे गलत साबित किया, लेकिन एक समाज को हर मामले को जिम्मेदार 2020 में ठहराया गया। लिहाजा मुस्लिम समाज के लिए यह साल आजमाइश का रहा। लॉकडाउन के ऐलान के बाद जो नजारे भारत देश में देखे गए शायद कभी नहीं देखे होंगे। दिहाड़ी मजदूरों का पैदल चलना, मासूम बच्चों को लेकर नंगे पांव औरतें मर्द जहां भी हो अपने वतन के लिए निकल पड़े। बेलगाम में भी गोवा दक्षिण कन्नड़ से लोग चलते जा रहे थे जिनके पास दो वक्त का खाना भी मैसर नहीं हुआ। बेलगाम शहर में मुख्तलिफ तंजीमों ने अपने खिदमात भी बखूबी अंजाम दिए, जिसमें खासकर अंजुमन मदीना मस्जिद फाउंडेशन, रहमान फाउंडेशन, शिफा वेलफेयर, मुस्लिम लीग, गरीब नवाज फाउंडेशन और दीगर तंजीमों ने खिदमात अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ लोगों ने अपना नाम जाहिर न करने की बुनियाद पर भी गरीब जरूरतमंदों की मदद की। अप्रैल पूरा महीना लॉकडाउन में गुजरा, रमजान का मुबारक महीना भी लॉकडाउन में गुजरा। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। बेलगाम शहर के उलमा जिम्मेदारान अंजुमन ने पुलिस इंतजामिया से सहर और इफ्तार के वक्त स्पीकर की इजाजत ली। कुछ मस्जिदों में जमातें थी, इन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। बेलगाम में इंडोनेशिया की जमात के अफरादों पर पुलिस कार्रवाई की गई। अंजुमन की जानिब से अफगानिस्तान के नौजवान को काबुल रवाना किया गया। मदरसे के बच्चों को भी कोगनोली नाके से बेलगाम लाया गया और दिगर तंजीमों ने अपने अपने तौर पर खिदमात अंजाम दिया। लॉकडाउन के दौरान कई बार लाठी चार्ज की वजह से काफी लोग जख्मी भी हुए। कहने का मतलब यह था कि हुकूमत के गलत फैसले की कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही थी। इसी दौरान रामनवमी के वक्त यूपी और दिगर शहरों में कसीर तादाद में भीड़ इकट्ठा होकर मजहबी रसूमात अंजाम दिए जा रहे थे। खुद यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाकर पूजा पाठ की, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन था। मई 5 को चीनी फौजी भारत की सरहद में दाखिल हुए, पर भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर मामले को हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखा जाता है। जून 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। इस मामले को मीडिया ने इतना बढ़ावा दिया कि मानो भारत देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। कुछ चापलूस पत्रकारों ने तो
मुझे ड्रग दो का नारा लगाने लगे, अब इसमें भी हिंदू मुस्लिम तलाशने लगे। कंगना रनौत ने इसके घर को गिराना गोया राम मंदिर को तोड़ने के बराबर बताते हुए कहा कि देखना बाबर, राम मंदिर फिर बनेगा। जून 1516 को गलवान घाटी में भारत के 20 फौजियों का कत्ल चीनी फौजियों ने किया। वजीर आजम मोदी ने तो चीनी फौज के दाखिल होने का ही इनकार किया। जुलाई 3 को विकास दुबे ने जदीद मशीन गन से 8 पुलिस अफसरों को मार गिराया, जिसमें कई पुलिस कांस्टेबल भी थे। इसके लिए क्या योगी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है? आखिर मशीन गन जैसे हथियार कहां से आते हैं? 10 जुलाई को दुबे का एनकाउंटर किया गया, जिस पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि योगी हुकूमत के कई राज इसके सीने में दफन थे, लिहाजा राज फाश न होने थे, इसकी आवाज को दबाया गया। 29 जुलाई को नई तालीमी पॉलिसी बनाई गई, जिसमें मुगलों की तारीख को मिटाने की भी बात सामने आई। 5 अगस्त को भारत के वजीर आजम राम जन्मभूमि के शिलान्यास में आरएसएस मुखिया मोहन भागवत के साथ शरीक हुए। मतलब एक तरह से भारत के आईन संविधान की तोहिन कर मजहबी इजलास में शरीक हुए। 14 सितंबर को किसानों के काले कानून को मंजूरी मिली, जिसका एहतजाज आज भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अजीब रहा। बाबरी मस्जिद शहादत मामले में अदालत का कहना था कि मस्जिद को किसने गिराया इन्हें मालूम नहीं है, लिहाजा लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार सभी को बाइज्जत बरी किया गया। इस पर मुख्तलिफ फिल्मी दानिशोरों ने यह भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट सियासी दबाव में फैसले ले रहा है, लिहाजा भारत में अदलिया निजाम खत्म हो चुका है। अक्टूबर 31 को योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान किया। 24 नवंबर को लव जिहाद कानून को मंजूरी दी गई, जिस पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दस्तखत की। दिसंबर में कर्नाटक में गोहत्या बिल मंजूर किया गया, लेकिन बिल भी अजीबोगरीब था। मतलब गोहत्या पर पाबंदी होगी, मगर बिप बेचने और बिप खाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसी तरह किसानों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तेज करते हुए कहा कि इस बिल को वापस करना होगा, क्योंकि ये बिल किसानों की मौत का फरमान है। अभी आप ही बताइए कि आखिर 2020 में मोदी हुकूमत ने क्या किया? भारत गरीब मुल्कों की फहरिस्त में जा चुका है। राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर खून खराबा करने की साजिश रची जा रही है। राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करना महज बहाना है। अकलियती समाज को निशाना बनाकर देश के माहौल को इतना आलूदा करो कि लोग गरीबी, महंगाई, रोजगार पर सवाल ही न करें। यह थी 2020 की मुख्तसर दास्तान। 2021 अब क्या पैगाम लेकर आता है, इसका इल्म तो खुदा को ही हो सकता है। दुआ है कि पाक परवरदिगार तमाम भारत के शहरियों को इत्मीनान की जिंदगी अता करे और जालिमों का खात्मा करे। संविधान की हिफाजत हो, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा फिर से कायम हो। नया साल आप सभी को मुबारक हो। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।